लॉकडाउन के दूसरे चरण के दौरान गुरुवार को भी महानगर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। महानगर के प्रमुख 57 स्थानों पर नाकाबंदी कर पुलिस आने जाने वालों की चेकिंग करती रही तथा बेवजह सड़कों पर घूमने वालों को सड़क के किनारे बैठा दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें नसीहत देकर छोड़ दिया गया जिससे वे दोबारा ऐसी हरकत ना करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, किसी के पास पास था? हाँ या ना बताइए। नहीं जाने, ये आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? तो पुलिस यहाँ पर 24/7 खड़ी रहती, किस वजह खड़ी रहती? सिर्फ इस वजह से कहीं ना कहीं आप सही रहे, हम सही रहे, सारा समाज सही रहे, उस फायदा है। आप ये बताइए, यहाँ पर बैठाने का उनको जैसे दवाई क्या जाना होगा, डॉक्टर क्या जाना हुआ है, तो उनका डॉक्टर उठ जाएगा, उनको खुद नुकसान हो रहा है, लेकिन इतने रिस्क से हो सकता है अगर ये बीमारी ऊपर जाने छुआछूत की बीमारी फैल रही है, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। कभी मत करना, मोर देन 90% जो एक्सक्यूजेज आ रहे सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड से आ रहे, सिर्फ और सिर्फ मेडिकल फील्ड से, जो हर चीज में नहीं होना चाहिए। अगर मेडिकल भाई अगर जरूरत है तो अखबार हर किसी के आता है, अखबार में दूसरे पेज पर साइड में मेडिकल के लिए या फिर के लिए जो भी आप लोगों को होम डिलीवरी गवर्नमेंट के थ्रू जाए आइए बात। फ्लिपकार्ट से है तो कोई आईडी है? ये तो आपका भाई एम्प्लॉय आईडी है ना? नहीं सर, ये पास घूमने का कोई पास है जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, वो पास है या नहीं? शहर में पहले से ही 57 नाके चिन्हित थे, इस पर लगातार 24 घंटे पैकेटिंग हो रही है, वो व्यवस्था अभी भी जारी है। जैसे पहले चल रहा था कि जो लोग भी शहर में इधर उधर घूम रहे थे या गलत कथ कर रहे थे उनको टोका जाता था, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाता था, वही चीज़ आज भी चल रही है। कल भी जैसे दो मुकदमे लिखे गए, जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे
उस पर 2 अभियोग पंजीकृत किए गए, गाड़ियों की कार्रवाई की जा रही, गाड़ियों का चलान भी हो रहा है, सीज भी हो रही है, और साथ ही लोगों में जागरूकता अभियान भी चल रहा है कि जिस हिसाब से स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घर में रहें ताकि इस बीमारी को आसानी से पराजित किया जा सके। सर आपके द्वारा नागरिकों से क्या, नागरिकों से यही है कि जिस हिसाब से स्थितियाँ बिगड़ रही हैं, केसेस सामने आ रहे हैं, इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बाहर बेफालतू में मत घूमें, क्योंकि निश्चित रूप से आपके घूमने से इस कहीं बीमारी को बढ़ावा मिलता है। आप लोग घर में रहिए, जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपके मोहल्ले में, अब सब्ज़ी हो गया, दूध हो गया, हर चीज़ पहुंच रही है। आप बेफालतू में उस चीज़ों के लिए मंडी या बाज़ार में मत आएँ, जो चीज़ आपके मोहल्ले में मिल रही वहीं से खरीदें और सुरक्षित रूप से घर में रहें।